ये वीडियो पर्सनल। गुड मॉर्निंग सर। तो सर सुबह से देखा गए कि आप लोग पैदल मार्च करके सभी में आप लोग कैलेंडर की भी बात रहे, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आज जो है हमारा 31 आर्मीज का जो बिजनेस कम्युनिटी को हमने आज नया साल का ये विश किया है, साथ साथ हमने अपना कैलेंडर 2024 का कैलेंडर हमने बांटा है और सबको हमने बता दिया कि हम आने वाला 2024 का इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं। तो साथ में हमारा साथ बहुत से सीनियर सिटीजन आया है, खास करके 31 को छोड़ के 30 से भी बहुत सीनियर सिटीजन हमारे साथ आज जोड़ा है, ताकि वो हमारा जो आज इस बात का जो हम विधायक के लिए जो हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसको उन्हें सपोर्ट करते हुए हमारा साथ दिया है। आज हमारा साथ कम से कम 5 किलोमीटर का वॉकिंग किया है, पीआई लाइन से लेके न्यू मार्केट तक, न्यू मार्केट से वापस यहाँ तक आए हैं। इसलिए उन सभी चाहने वाला, साथ देने वाला को मैं धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। देखिए मैंने सितंबर 9 को ये बोल दिया था कि मुझे 100% मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, चाहे टिकट मिले या ना, अगर मिलता है तो बोनस है। तो इसलिए मैं मेरा जनता को एश्योरेंस दे चुका हूँ कॉन्टेस्ट करना है। तो अब ऊपर वाला जो पार्टी है, ऊपर वाला और मेरा जनता जो बोल मैं वैसे। सर पहले वहाँ पे जो सार के बस्ती में गांव पे उसका जो जन्म स्थान है जन्य गांव में, एक बार आपका बहुत ग्रैंड तरीके से आपका ज्वाइन प्रोग्राम हुआ था, लेकिन भी वहाँ का विपक्ष लोग का कहना कि वहाँ पे एक भी ज्वाइन नहीं हुआ है, ऐसा भी कहना था। और उसमें आपके टीम ने भी कहा था कि ये पहला पेज रहेगा, 2-3 रहेगा, इसका अपडेट क्या है? नहीं नहीं, अभी उसका सेकंड पेज नहीं, दूसरा बस्ती में होने वाला है, मगर मैं वक्त आने पर वक्त को भी बता दूंगा, डेट को भी बता दूंगा। आप भी देखते रहिए, आपको भी मैं अनुरोध करता हूँ, आप हमारा जो कैंपेन जो चल रहा है उसको कवरेज कर दीजिए, तब आपको पता चलेगा जनता क्या बोल रहा है, लीडर क्या बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आपको पता। आपकी जो उम्मीदवार जो श्री जानकार गामलिन के जो उसके बीजेपी दल से उसको सस्पेंड किया गया था, उसका भी फिर से रिपोकेशन हो चुका है बोला है, इसका बारे में थोड़ा बताओ। वैसे तो बीजेपी पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, इनजस्टिस नहीं करता है, तो किसी का ये प्री प्लान था कि गामलिन साहब को पार्टी से निकला जाए। एक तरह से देखा जाएगा तो गामलिन साहब वो अभी रिवोकेशन होने के बाद में कोई क्या बोलता है कि वो जिनी साहब ऑनरेबल एम एल ए का सपोर्टर बोलता है वेलकम टू बीजेपी, गामलिन साहब को बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि गामलिन साहब केंटो जिनी साहब जब बीजेपी ज्वाइन नहीं हुआ था उससे पहले वो बीजेपी में था, उससे पहले वो वहाँ में कैबिनेट मिनिस्टर था अरुणाचल गवर्नमेंट में, यही पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर सर का अंदर में मिनिस्टर था, तो उसको कैसे कर वो वेलकम करते हैं, वो तो ऑलरेडी था, ये एक तो ये साजिश था गामलिन साहब को पार्टी से हटाने का, डर जो है डरने के बाद में उसको लाइन से हटाने का एक तो साजिश रचा गया था, जिसमें मुझे भी एक फोर्स एलिगेशन दिया गया था। उस समय मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था बीजेपी का, तो मुझे भी फोर्स एलिगेशन दिया, तो मैंने वहाँ में कंप्लेन दिया इस ऑफिस में, उसके लिए ये इन्वेस्टिगेटिंग ये कमिटी भी बनाया है, वेरिफिकेशन कमिटी जो बनाया है, उन्होंने रिपोर्ट दिया है, तो बाद में जाकर 29 दिसंबर को गामलिन साहब का ये सस्पेंशन रिवोक हुआ है। रिवोक होने का मतलब तो आपको ये जान लीजिए कि उसमें कोई ये गलत ये नहीं था, ये एक तो साजिश था, तो जो पॉलिटिक्स है राजनीति है उसको सही तरीके से खेलने से ठीक है, बाकी जो डर के जो खेलता है वही ऐसे खेल खेलता है। मैंने तो 9 सितंबर को मैंने जब गामलिन साहब ने जब डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट करने जा रहा है, तो मैंने तो खुल्लम खुल्ला वहाँ में डिक्लेयर किया है कि मैं उनको सपोर्ट करने जा रहा हूँ। 1500 वोटर्स लेकर चलूँगा, जो कि कभी गामलिन साहब को वोट नहीं मारा है वो 1500 वोटर्स मैं दिलाऊँगा, जीत की तरफ ले जाऊँगा। तो नया साल की शुभकामनाएं के साथ उन्होंने फ्री में जो कैलेंडर बांटा उसमें आप लोग शिक्षक सभी उनके साथ दिया और तटियालो वेस्ट से भी लोग जुड़े, इसके ऊपर आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे?
वैसे मैं सभी आलोंग वासियों को नए वर्ष का शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गवनी साहब तो आज मैं यहाँ पे कैलेंडर तो बताए, हम लोगों ने जितने भी यहाँ दुकानदार थे उन लोग को मिलकर गवनी साहब को अपने हाथों से कैलेंडर बताए। टाटी आलोंग वेस्ट का जो हमारे साथ में आज जो आए, जैसे कि ये अतोजोकार लोही है, वैभव लोही है, जमीन गोया है, और भी बहुत है जो आज नहीं आ पाए। आलोंग जो है एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। उस समय अनडिवाइडेड ये वेस्ट सियांग में तो सात तो कॉन्स्टिट्यूंसी था, अभी होते होते तीन रह गया है। तो आलोंग जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ में हर डिस्ट्रिक्ट का जितना भी ये है यहाँ में सेटलमेंट है उसका। सिर्फ यहाँ का नहीं, बाहर का भी है, लेपारादा का है, तानर का, यहाँ पे निशी भाई भी कोई कोई है यहाँ में सेटलमेंट लिया है। तो कोई कोई बोलता है कि यहाँ में आलोंग का आदमी यहाँ में ये नहीं होना है, वो नहीं है। गवनी साहब यहाँ से 100 कदम जाए वहाँ में KGB बिल्डिंग है गवनी साहब का। उसको कोई कोई बोलता है गवनी साहब को यहाँ का नहीं, कैसे यहाँ का नहीं, यहाँ में उसका बिल्डिंग करा है। वैसे भी यहाँ में जितना भी टाटी स्पेशली टाटी आलोंग वेस्ट का यहाँ में जितना आलोंग में सेटलमेंट है ज़्यादा है। एक तरह से बोलने से 31 आलोंग से ज़्यादा है यहाँ में 30-27 और ये मेसुका का जितना भी बोला ज़्यादा ही है यहाँ से। तो उसको बाहर का आदमी बोलना है तो बहुत गलत बात है। और जितना भी हमारे आज 30 आलोंग वेस्ट हो या 27 बिरमोबा हो या लेपारादा के हो या ये क्या बोलते हैं ये वेस्ट का हो, जितना भी हमें यहाँ में साथ दे रहा है उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलना है। उनका कोई कोई बोलेगा वो तो वहाँ का है, वहाँ में उसका वोटर लिस्ट नहीं है, लेकिन वो यहाँ वहाँ का वोटर लिस्ट जरूर है यहाँ, लेकिन यहाँ में उसका आदमी है। वो वहाँ में एक वोट मारेगा, यहाँ में 10 वोट हमको दिलाने जा रहा है। यही हम लोग का एक तो जो है वो हम लोग स्ट्रेटेजी जो है, अभी तो इलेक्शन तो आ ही रहा है, फेबरी पर्टिकुलर हो जाएगा, उसके बाद में आप देखते जाइए। उस दिन तो वो CM साहब लोग आया है, वो तो इतना गेदर देखकर वो बोल दिया, लेकिन वो आदमी लोग कहाँ का है उसको तो बाद में तो मालूम हुआ है ना। वो तो 31 आलोंग इसका आदमी नहीं था, बाकी तो 27 से भी आए, 30 से भी आए, लेपारादा से, सियांग बेल्ट से आए। भीड़ देखकर तो जोश में वो लोग तो बोल दिया है बोलने के लिए, लेकिन फैक्ट जो है अभी मालूम हुआ है, फैक्ट मालूम हुआ है कि उसमें कौन आदमी आया था। तो उसको एक तो लीडर जो है सालू लीडर है वो तो उसको एक ऑक्सीजन मिला है। उस दिन वो ऐसे नहीं होने से तो सरेंडर कर देना था, इस बार भी हम उसको सरेंडर कर देगा लास्ट मोमेंट में, देखते जाइए। आप 30 आलो वेस्ट के हैं तो आज यहाँ पे 31 आलो ईस्ट के जो विधायक जो अभी उम्मीदवार है जरका गामिन के साथ, उन्होंने आज पैदल मारकर जो फ्री वहाँ पे कैलेंडर दिया है लोगों को, तो उसमें आप शामिल किया है, तो इसका ऊपर वो जमकर लो उन आलो वेस्टल कई इत बेसिन उन आलो इसी यबजर खर गई नाम मई इसी हा बोल सपोर्ट दौते मई मई हाक मा इन डॉक्टर नाम तो लंग नही मई ने विदाउट एनी कंडीशन उन लीडरशिप क्वालिटी उन का दौला उन ही आलो वेस्ट आलो गाते ही गो अपील मैद्रा मुने क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटी दौला साजी दुना नुनहीन आलो इस गाते नाम लोग हेद मेसूर ना हेद कायम नाम में चली दू देश चली दू मोदी ने नुका दुला पे मेसूर में लीडरशिप इन काम आयम यूथ एम सपोर्ट न मिलने को नहीं थरिक तो इन उन उन आलो ताऊ ने मुझे नो के बोर्न इन बोर्ड आप होगो यो क्रीड कास्ट डिस्टिंग्विश दे कामा उन लीडरशिप अल नम क्रिस्टन लो हिंग उन काला जो मृदु ओके लीडरशिप इन लग लग बे ग्राउंड लेवल लो हाना एक पब्लिक सेंटीमेंट पब्लिक विश ऑफ हिंदू तल्ले तल का ईद ना तर इनका देखिए इतने को लाइन गायब दू खाई जो आदमी पेशा से लॉयर है जो है अगर कुछ साल का बाद मुन्ना अगर प्रोफेशनल इंक लेन ईदू इन यौमान को काला इन होकर दू नाम इन दू होकर परमानेंट दू नाम
उनका एबल आलदम लम्बी लंग उन हिलो जारखर गांधी ने उन दाल पैम लग आलो वेस्ट कर दिन साथ जी दागना इन वो आई विश मुने नरु आया लग आया लस का मुझे के हिंदी के एक उन्ने टारगेट ही उन्ने उन्ने हासिल तो आलो ही उन्ने इन कहाँ की नहीं आते इतने मुने चांस में जीवन का लगी हम लोग मेल लांग वो आगे होंगे ना नरु हम रोगाम बे गुनो यो कंडीशन चिला आमा आजार करने नी अल्ला नी अम्ला ओके आलो ताऊ नी यात ना कोई जा डेवलपमेंट आ दुगु दी या उगो काम ही दुगु जगा आजार कर गिन में मतलब आजार कर गए नली ने हुन लगी ला ओके इलो इलो के हम आस के अल्ले इन नुम दोला पाँच किलोमीटर मीन नुम दोला ये मानो ताऊ नी मोर्गो नम ये मियां ने कब जगा लो हम लीडर को इनम का कमागे इंबला जिनम अम्म ये आसी अम्म इंबल जिन रंगों से नासने एकदम हिलोगो को हिलोगो दोन जाना तेन आशीर्वाद जिला में था ना ओके पब्लिक माजी बा आसने मिलिक रखे हम लोग काते बा अम्म आलो इस पार्टी आलो पार्टी वन आलो इस तो के नारु पब्लिक हम से आया रूला ही निगम आतो ना 2024 ओके इलेक्शन हम आजार का नारु आया तोल कम लोग को कुम्भ लगता ना वो काम में जोंकार गो गो मार्तो जो दो उन अनकंडीशनली जारखंड ने सपोर्ट लग चुका मिड लीडरशिप लो आलो हिम लको अनदर वन टू थान को वे मोला चुका हम लोग सपोर्ट दू ना ओके कब लीडर हम सिंगुन अलमा अल्दो अमियाता मा लेकिन हिलो हिलो के जारखंड में वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट इजा इजी दो एक लीजुंग को किबा मु कु सीनियर मोस्ट है मु हम लको चांस को जीवा जीव काम लोग उन्होंने रिक्वेस्ट दंगो थैंक यू वेरी मार्तोन्यो दू डिस्ट्रिक्ट पीपे पर्सन हूँ आज कल जो परसों खबर सुना था कि बिजनेस कम्युनिटी में हमारे पूर्व मंत्री और हमारे क्षेत्र के विधायक रहे वो विजिट करने जा रहे हैं उनको नया साल का मुबारक शुभकामनाएं देने जा रहे हैं जब खबर सुना मैं भी उनका साथ जाऊंगा बोल के गुड मॉर्निंग से उनका घर में गया सारा मार्केट में बिजनेस कम्युनिटी को मिलने दिया सब अच्छे से स्वागत किया सब शुभकामनाएं दिया उनको भी और मैं इसलिए उनका साथ हूँ चाहे मैं पीपी हूँ इसलिए कि दो टर्म उन्होंने मंत्री रहा और विधायक रहा उनका काम को बहुत पसंद किया इसलिए मैं उनको और चांस देना चाहिए बोल के और हर पब्लिक को भी चाटवानेलो में इसका हर पब्लिक को भी मैं जो अभी मेरे साथ नहीं है हमारे साथ नहीं है उनको भी मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूँ कि वो सब मैंने दोबारा उनको फिर तीसरी बार के लिए चुने थैंक यू।